खरगोन हिंसा के बाद से ही खरगोन शहर में सभी धार्मिक स्थलों के साथ जुलूस और आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते पहले हनुमान जयंती पर मंदिरों पर ताले लटके रहे लोगों ने बाहर से पूजा अर्चना की थी। वहीं आज को पूरे प्रदेश में तो परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, लेकिन खरगोन में पूरे दिन का कर्फ्यू लगाने की घोषणा के बाद अब श्रद्धालु केवल अपने घरों में ही अपने आराध्य देव परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं। इसी के चलते आज परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज द्वारा कर्फ्यू के बीच अपने अपने घरों में भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई। जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा आज पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी धार्मिक स्थल को न तो खोलने की इजाजत दी गई है और न ही किसी आयोजन में अनुमति दी गई है। प्रशासन के पूरे दिन का कर्फ्यू लगाने के फैसले के बाद श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष और खरगोन विधायक रवि जोशी द्वारा भगवान परशुराम जी की घर पूजा अर्चना के बाद आरती की गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। समाज के सब समस्त साथियों ने, आदरणीय माता बहनों ने आज पहुंच के भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन किया। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक साथ है। मैं समस्त समाजजनों को अपनी ओर से परशुराम जयंती के अवसर पर बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। कर्फ्यू के बीच में आज मना रहे हैं क्या? प्रशासन के द्वारा खरगोन में परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद के सामूहिक त्यौहार आज आया है। इस अवसर पे शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए प्रशासन ने अपने उसमें कर्फ्यू के साय में ये त्यौहार मना रहे हैं। मैं उस अवसर पर जो लोग परशुराम जयंती अपने अपने घरों में मनाए, अक्षय तृतीया का त्यौहार अपने घरों में मनाए और कई हमारे समस्त मुस्लिम भाइयों ने ईद का त्यौहार अपने घरों में नमाज अदा करके मनाया है, मैं सबको इस तीनों त्यौहारों की बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।